तो आपके सामने ये क्वेश्चंस जो है आप देख रहे हैं, कैलकुलेट द इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम द फॉलोइंग बियरिंग ऑफ क्लोज टावर्स ए बी सी डी ए, अप्लाई यूजुअल चेक। ठीक है, ये 7 मार्क का क्वेश्चन है और ये 7 मार्क के क्वेश्चंस मैंने अगर ये जो लाइन ए बी बी सी सी डी और डी ए की अगर वो होल सर्कल बियरिंग में दिया था तो उसके मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया हूँ, उसके अच्छे काफी अच्छे उसके रिस्पांस भी आए हैं। अगर सपोज डेट ये रिड्यूस बियरिंग में जैसे दिया हुआ है तो इस सम को कैसे सॉल्व करना है वो चीजें हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इसको सॉल्व करना है वो चीजें मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो मेरे साथ आप सभी अब पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे ना, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से है। एक और काम कर लेने का, जब आप सॉल्व कर रहे हो ना तो एक और काम कर लेने का कि इसका बैक बियरिंग भी लिख लेने का। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका बैक बियरिंग। अब देखो बैक बियरिंग आसान होता है, जैसे ए बी का 4 बियरिंग है ना, तो बैक बियरिंग में क्या होता है एंगल वही होता है, नॉर्थ क्या हो जाता है साउथ हो जाता है, एंगल जो है वही है, एंगल जो है वही है, ईस्ट का वेस्ट हो जाता है। ऐसे इसका भी साउथ का नॉर्थ हो जाएगा और ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, ऐसे ही साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा, एंगल वही जो दिया है एंगल वही रहेगा, या नॉर्थ का साउथ हो जाएगा और वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट है ठीक है, ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखो एंगल दिया हुआ है ए बी, ए बी लाइन अभी ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहले इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने का, यहाँ लिखने का नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक मैं बता देता हूँ उसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट है। अभी एंगल कितना है देखो, हम नॉर्थ के साथ ईस्ट में, तो नॉर्थ के साथ ईस्ट में मतलब मैंने रखा यहाँ पर और यहाँ से अप्रोक्सीमेट ये एंगल होगा, ये एंगल आपका कितना है 58 डिग्री 38 मिनट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 58 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर ये बी पे आ गया, कहाँ से आया है ये ए पॉइंट से चला है और बी पॉइंट पे आ गया, ये बी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, ध्यान देना कि ये जो देखो इसका उसका अगर बैक बियरिंग की तरफ ध्यान दोगे तो देखो ये साउथ है, ये साउथ है, ये तुम्हारा वेस्ट है, साउथ वेस्ट में वही एंगल है, मतलब ये एंगल भी तुम्हारा कितना है 58 डिग्री 30 मिनट। अब बी सी देखो, बी सी बोला है साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में कहाँ पे आएगा, देखिए साउथ ईस्ट यही होगा, यहाँ से इस तरीके का है। ठीक है, साउथ ये वाला तुम्हारा पॉइंट जो आ गया वो सी है। अब हर बार मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नहीं लिख रहा हूँ, अब ये साउथ के साथ कितना एंगल बना रहा है, देखो साउथ के साथ 45 डिग्री 30 मिनट बना रहा है, यहाँ पर ये एंगल देखिए, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री 30 मिनट और ये वाला एंगल जो ये है वही एंगल है 58 डिग्री 30 मिनट। अब देखिए मुझे अगर बी एंगल पता करना हो तो बी एंगल कौन सा है, अगर मैं आपको बोलूं एंगल बी की बात करनी है तो इंटरनल एंगल, अभी तो मैं सब बताऊंगा, यही तो पूरा एंगल बी है, यही तो बी है एंगल। ठीक है, अब चलिए मैं आपको ए सी का भी पूरा पहले डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ फिर बाद में आपको समझाता हूँ। देखो सी से डी का एंगल कितना है साउथ के साथ वेस्ट में, मतलब ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। ठीक है, एक मिनट में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, साउथ के साथ ये एंगल होगा, देखिए उसके बाद से फटाफट मतलब देखो डायग्राम के बेस पे है, या तो आप फॉर्मूला याद रखो या तो डायग्राम बेस पे है। अभी मैं बता भी दूंगा ना तो आपको फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये मेरा डी पॉइंट हो गया और ये एंगल कौन सा एंगल है, ये एंगल दिया हुआ, ध्यान दे देखना, ये एंगल दिया है 30 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, सी टू डी वाला और डी टू ए वाला। अब मान लीजिए मुझे डी से ए को मिलाना है तो इस तरीके का कुछ होगा, मेरी सीधी लाइन नहीं गई है। अभी ये वाला एंगल कितना दिया है नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ के साथ ही होगा ये एंगल, ये एंगल कितना दिया है 35 डिग्री और 30 मिनट, ये वाला एंगल है, हाँ सिर्फ ये, क्लियर। अब देखिए आपको जो एंगल पता करना है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। एक तो आपको इंटरनल एंगल ये एंगल चाहिए, एक तो आपको ये बी वाला, फिर ये सी वाला, फिर बाद में ये डी वाला,
इतना एंगल आपको पता करना है। तो ये एंगल कैसे पता करेंगे वो चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आपका इंटरनल एंगल देखिए, पहले तो मैं एंगल ए पता करता हूँ। एंगल ए ये कैसे पता होगा, तो इसका इंटरनल एंगल का फॉर्मूला देखिए, ये इंटरनल एंगल का। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा अगर देखो नॉर्थ से लेके साउथ तक का एंगल कितना 180 डिग्री। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पर देखे होगे कि जब मैंने डी ए बताया तो डी ए का बैक बियरिंग ये वाला होगा, ये एंगल होगा डी ए का बैक बियरिंग। तो आपका ये वाला एंगल कितना हो गया 35 डिग्री 30 मिनट। आपको चाहिए ये वाला एंगल, एंगल ये। तो क्या करेंगे, ये नॉर्थ से साउथ तक 180 है, उसमें से ये ऊपर वाला 58 डिग्री 30 मिनट, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि फोर बियरिंग, मतलब मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ 180 डिग्री, फिर माइनस कर रहा हूँ मैं, क्या माइनस कर रहा हूँ, फोर बियरिंग ऑफ ए बी, फोर बियरिंग ऑफ ए बी, ये सब फॉर्मूले हैं, और माइनस क्या कर रहा हूँ, बैक बियरिंग ऑफ डी ए, बैक बियरिंग ऑफ डी ए। तो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये 180 डिग्री है, उसमें से मैंने माइनस किया 58 डिग्री 30 मिनट, और क्या माइनस कर रहा हूँ 35 डिग्री 30 मिनट। अब इसको माइनस करना है आपको आना चाहिए, तो आप कैलसी ले लेना, ठीक है, पहले 180 टाइप करना, फिर बाद में एक देखना कि डिग्री और कॉमा कॉमा जैसे बनाया होगा उस पर क्लिक कर देना और 0 मिनट कर देना, ये मिनट तक है, फिर उसमें माइनस करना कितना 58, वही वाला बटन दबाना डिग्री मिनट वाला, और फिर 30 मिनट, माइनस करने पे जो आंसर आया होगा इक्वल करने पे 121 डिग्री 30 मिनट, उसमें से माइनस करना फिर 35 डिग्री 30 मिनट। ये करने के बाद आपका एंगल आ रहा है 86 डिग्री, कितना आ रहा है 86 डिग्री। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 86 डिग्री, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब मुझे निकालना है एंगल बी, अब मैं यहां पर लिख लेता हूं एंगल बी मुझे निकालना, तो उसका इंटरनल एंगल बोलो चाहे इंक्लूडेड एंगल बोलो, ठीक है। अब इंक्लूडेड एंगल यहां पर कैसे निकलेगा, देखो ये तो सिंपल सा है, बैक बियरिंग ऑफ ए बी और फोर बियरिंग ऑफ बी सी, ये पूरा दोनों मिलके ही आ जा रहा है। तो यहां पर सीधा सीधा क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले बैक बियरिंग ऑफ ए बी प्लस फोर बियरिंग ऑफ बी सी, कितना है इसकी वैल्यू है 58 डिग्री 30 मिनट, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 45 डिग्री 30 मिनट। अब ये ऐड करने पे कितना आ रहे हैं, तो ऐड कर लीजिए वही सेम कॉन्सेप्ट, 58 डिग्री 30 मिनट प्लस 45 डिग्री 30 मिनट, कितना आंसर आ गया 104 डिग्री, कितना आ गया 104 डिग्री, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब मैं एंगल सी निकालने जा रहा हूँ, एंगल सी, एंगल सी का इंक्लूडेड एंगल कैसे मिलेगा, देखिए सी पर आ जाइए, सी पर अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है ना, देखिए ये वाला जो एंगल है ये 45 डिग्री 30 मिनट है, क्योंकि BC का बैक बियरिंग ये हो जाएगा नॉर्थ के साथ ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ के साथ वेस्ट डायरेक्शन में BC का, ठीक है। और यहां पर देखेंगे जब ये दोनों मिल गया और एक ये आपके पास एंगल है, तो आप ये 180 डिग्री में से ये 30 डिग्री 30 मिनट और ऊपर का 45 डिग्री 30 मिनट माइनस कर देंगे, तो आपका काम बन जाएगा, मिल जाएगा। तो इसका भी वही फॉर्मूला आएगा, क्या फॉर्मूला आया, 180 डिग्री में से आप माइनस करोगे पहले बैक बियरिंग ऑफ बी सी और माइनस करोगे फोर बियरिंग ऑफ सी डी, ठीक है। तो करिए, देखिए फिगर देख के आपको आइडिया मिलेगा कि कौन सा एंगल मैं माइनस कर रहा हूँ कितने में से। 180 डिग्री देखोगे नॉर्थ से साउथ, लेफ्ट वाले साइड में देखो नॉर्थ से साउथ 180 डिग्री होता है, उसमें से मैंने फोर बियरिंग ऑफ सी डी और बैक बियरिंग ऑफ बी सी माइनस कर दिया, तो यहाँ 180 डिग्री है, बैक बियरिंग ऑफ बी सी कितना आएगा 45 डिग्री 30 मिनट और फोर बियरिंग ऑफ सी डी कितना है 30 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, वही करेंगे पहले 180 डिग्री 0 मिनट कर दो माइनस 45 डिग्री 30 मिनट, फिर बाद में माइनस लिखो 30 डिग्री
30 डिग्री 30 मिनट, आपका आंसर आ जाएगा 104। कितना आ जाएगा? 104 डिग्री। ठीक है, 104 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आराम से, यहाँ पे लिखना 104 डिग्री आ गया। क्लियर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एंगल डी, लास्ट वाला है एंगल डी, उसका इंक्लूडेड एंगल बोलो चाहे इंटरनल एंगल बोलो। अब डी पे थोड़ा देखना, तो डी पे अब देखो मैंने जो डी टू ए किया है वो है 35 डिग्री, वो भी नॉर्थ के साथ है। अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो ये बैक बियरिंग देखो सी डी का, वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यही दोनों, तो दोनों ऐड कर दो तो काम बन जाएगा। तो लिख देंगे फोर बियरिंग ऑफ डी ए, ठीक है, प्लस बैक बियरिंग ऑफ सी डी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, फोर बियरिंग ऑफ डी ए 35 डिग्री 30 मिनट, और प्लस बैक बियरिंग ऑफ सी डी कितना है 30 डिग्री 30 मिनट। अब ये ऐड कर लो, सीधा सीधा दिख रहा हो 35 और ये 30, 65 और ए 30 डिग्री, ये 67 डिग्री, सीधी 66 डिग्री, कितना हो गया 66 डिग्री आ गया। अब ये जो आपके सामने दिख रहा है इसका बोला है लास्ट में, यहाँ पर देखेंगे एंड अप्लाई यूजुअल चेक, चेक भी करना है। तो चेक करने का कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ताकि आपको आइडिया रहे चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैं यहीं पर आपको, मेरे पास जगह है यहाँ पर, मैं चेक करने के लिए बता देता हूँ। तो चेक करने के लिए अगर मान लीजिए चेक करना है, तो चेक करने के लिए चेक लिखना, और उसके लिए क्या है सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 2n-4 × 90। ये कर लेना, सम ऑफ ऑल एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। अगर मान लो कि ये चार है तो चार, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 × नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल कितने है, चार है, 2 × 4 = 8 - 4 कितना आएगा 4 × 90 करोगे तो 360 आएगा। मतलब आपका एडिशन अगर 360 डिग्री आ जा रहा है तो ओके कर लेते हैं। यहाँ पे देख ली, एक तो है आपका 86 डिग्री, फिर दूसरा 104, फिर तीसरा 104, चौथा 66। अब ये जो मैं चेक कर रहा हूँ सबको ऐड कर रहा हूँ, तो जब ऐड कर रहा हूँ तो लिख लेंगे, ऐड करने आना चाहिए 86 प्लस 104 प्लस 104 प्लस 66 कितना आ जा रहा 360। तो ये अगर ये 360 इक्वल टू ये 360 आ जा रहा है तो लिख देंगे ओके। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सारे को सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार रिपीट करके देखना कि ये कैसे आ रहा है। मैंने ये सारे कुछ फॉर्मूले, देखो फॉर्मूले जो ये जितने भी लिखे हुए हैं ये सब कुछ देख के, ये फिगर के बेस पे बना हुआ है। ठीक है, अगर आपको फिगर नहीं बनाने आ रहा है तो इसको एक दो बार देखिए कैसे किस प्रकार से मैं इसको बना रहा हूँ, कि ताकि आपको आइडिया मिल सके और इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। धन्यवाद अभी।